बिल्कुल। हमारे साथ समीर भाटी जी हैं, आप पूरे इंडिया में बिजनेस करते हैं, यूपी में भी कई जगह आपका है, क्या मानते हैं आप जो वादे किए जा रहे हैं ठीक हैं या फिर, क्योंकि आप ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं, बताइए। बिल्कुल। अभी जैसा पैनल को पूरा सुना हमने, अवनीश जी को भी सुना और दानिश जी को सुना और प्रवीण जी को भी सुना, और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की हमने, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की, निश्चित तौर पे उस पे काफी काम हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हम प्रदेश में काफी जगह 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए कोविड के बाद जैसा मैं देखूं, अभी ज्यादा हमारा बात अभी युवाओं को लेकर बात हुई है, जैसा अभी अवनीश जी ने बताया और दानिश जी ने भी बताया कि भारत युवाओं का देश है और वो हमारी बैकबोन भी है और आगे आने वाली हमारी वर्कफोर्स भी है। युवाओं में अगर स्पेशली देखें तो दो एस्पेक्ट है, जैसा दोनों चीजों के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, एक स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि जैसा हमने देखा स्किलिंग के ऊपर हम स्किल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और अभी स्किलिंग पे काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। स्किल्ड होना और एजुकेटेड होना और उसके बाद अनएम्प्लॉयड होना, वो एक थोड़ा सा पेनफुल रहता है। तो थोड़ा इस चीज के ऊपर हम लोगों ने भी इंट्रोस्पेक्ट किया और इस पे देखा कि कोविड के दौरान भी जैसा हमने देखा, हम ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल 2 साल तक काम करते रहे कि सबसे ज्यादा हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट रही है, हेल्थ केयर मैन पावर की रिक्वायरमेंट रही है। तो फिलहाल अभी हम जो काम भी कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं ताकि उनको ठीक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिलवाया जा सके। और दूसरा अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य को लेकर, अभी अगर देखें तो स्पेशली युवाओं के अंदर जैसा हम देख रहे हैं कि पहले जो बर्डन था हमारा देश में देखें या प्रदेश में भी देखें, जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, पहले हमारी कम्युनिकेबल बीमारियों का, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इस तरह की बीमारियों का बर्डन काफी ज्यादा था, पर अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और जिसमें युवा सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, स्पेसिफिकली 30s की एज में ही अगर हम देखें तो शुरू उनके अंदर सब तरह की बीमारियां, चाहे डायबिटीज हो गई, चाहे हार्ट डिजीज हो गई,